कीजिए ना सर, व्हाट्सएप यूज करते हैं तो। कहा चेक करा है मैडम, जब रिचार्ज अब एक तारीख को है मेरे रिचार्ज, हम पता पड़ जाएगी। आप मेरी बात सुनिए ना सर, एक बार है ना ऑन कॉल पे रिचार्ज कर सकते हैं ना सर, 239 का रिचार्ज कीजिए आप। न्यू कह रहा हूँ जी, यहाँ न्यू पता पड़ जाए कि एक तारीख को रिचार्ज हो। कब रिचार्ज हुआ था? एक मिनट सर, आप लाइन पे रहिए। सुन पा रहे सर? आपका 12 अक्टूबर को रिचार्ज किए थे आप, और ये रिचार्ज आपका खत्म होगा 8 नवंबर को। 8 नवंबर को जी सर, तो इसे वेस्ट क्यों करते हैं, इसे यूज कीजिए ना आप। अरे मैडम, फिर पोर्ट वाले नाम है, आज पोर्ट वाले आए गांव में ही। तो सर आपको जब 239 का रिचार्ज मिल रहा है तो आप करवा लीजिए ना सर। अरे मैडम, कोई ना करे, यहाँ सब लोग कहते तेरे में ऑफर ही ना है, ऑफर ना है। सर आपके नंबर पे ही रिचार्ज प्लान मैं प्रोवाइड करवा दूंगी ना सर, 239 का आप रिचार्ज करवाइए। कोई ना करे, सब लोग कह रहे चार्ज ही ना है तेरे में, वो ऑफर ना है। अभी आप मेरी बात सुनिए, अभी आप ऑन कॉल रिचार्ज कर सकते हैं सर, आपको रिचार्ज नहीं मिलेगा तो बोलना ना सर आपको कि आपको मिला ही नहीं रिचार्ज। नहीं, आधार कार्ड दिखवा दे मेरे, हमें फिर तो पोर्ट है जाएगी। आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो पोर्ट आउट करा के? जियो में। तो सर जियो में जाओगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगी ना सर, जियो की सिम सर सिंगल नेटवर्क पे बात काम करती है, आपको हर साइड पे 4G नेटवर्क भी नहीं मिलेंगे, आपका फोन स्विच ऑफ बताएगा, नेटवर्क का भी चेक से बाहर बताएगा, कॉल ड्रॉप होगी। अरे मैडम, मैं पहले जियो में थे तो पोर्ट करा के लाया एयरटेल में, ऐसी चलाई दबा के नहीं, सिम कोई दिक्कत ही नहीं दी, और अब दिक्कत ही दिक्कत। क्या अभी आप कंटिन्यू एयरटेल में नहीं रहोगी क्या सर? कंटिन्यू एयरटेल में रहिए तो क्या फायदा है, एयरटेल तो उदम कर रही है अभी, उदम ही तो है वो एयरटेल को। इनका रिचार्ज प्लान है, आप बोल रहे ना कि उदम कर रही है तो क्या सर आपको रिचार्ज मिलते रहा है? 239 का रिचार्ज करवाइए आप। आज मैंने पोर्ट का ऑप्शन भेजे हुए, जब तो कैसे रिचार्ज का ऑप्शन आएगा, और जात ना रिचार्ज डर बार बाद ना रिचार्ज का ऑप्शन कैसे ना आओ मैडम। आपको सर ये रिचार्ज प्लान मिल जाएगा ना सर 239 का? भाई जीत गिज कह रहा हूँ, अब कैसे मिल लो, पहले क्यों ना मिले हो? आप ये सब बड़े रिचार्ज कराते, इस वजह से आपको नहीं मिल रहा था वो।